लोकसभा चुनाव से पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश में सुगबुगाहट तेज हो गई है। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक हाई लेवल समिति बनाई गई थी। यह समिति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में बनाई गई थी। जो रिपोर्ट सौंपी गई है वह 18,626 पेजों का है। इस समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। लगभग 191 दिनों के रिसर्च के बाद यह रिपोर्ट सौंपी गई है। सबसे पहले आपको बता दें वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हो उसे वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं। आपको बता दें भारत में 1951 से लेकर 1967 के बीच हर 5 साल में लोकसभा और सभी राज्यसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। देश में वोटरों ने साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में केंद्र और राज्य के लिए एक साथ ही मतदान किया था। लेकिन देश में कुछ पुराने राज्यों का पुनर्गठन होने लगा और नए राज्य बनने लगे। उसके बाद साल 1968-69 के बीच पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। सबसे पहले आपको बता दें वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने से क्या फायदा होते हैं। जानकारों का मानना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने पर खर्च कम किया जा सकेगा। ईवीएम सुरक्षा और चुनाव के लिए कर्मचारियों की तैनाती बार बार नहीं करनी पड़ेगी और बार बार चुनाव के कारण होने वाली परेशानियों को भी कम की जा सकेगी। आपको बता दें चुनाव आयोग ने पहली बार 1983 में इसके बारे में सुझाव दिया था। समय समय पर वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार होते रहे और कमेटी भी बनती रही है। वहीं लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में वोटरों का माइंडसेट अलग होता है, लेकिन विपक्ष को आशंका है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाए तो जो पार्टी नेशनल में मजबूत होती है उसको ज़्यादा फायदा होगा। वहीं क्षेत्रीय पार्टी भी विरोध कर रही है क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी को लगता है इसका नुकसान हमें भुगतना पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू होगा या नहीं। जब तक के लिए मैं सैफुल कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ वी युवा।